हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है एआई के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि जो एआई में काम होता है वो आर्टिफिशली होता है, मतलब कि कृत्रिम रूप से उसमें कार्य किया जाता है। और जो एआई होता है आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा फोन्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ओप्पो ने अपने रियलमी में किया है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके। किसी भी अगर इक्विपमेंट या गैजेट में उसका यूज़ किया जाए एआई का, तो वो अच्छे ढंग से मतलब कि अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देती है। लेकिन दोस्तों जो एआई है वो एक खतरा भी बन सकती है अगर उसका ज़्यादा यूज़ करे। तो दोस्तों अगर आप देखा जाए अगर, तो जो एआई है वो कई मतलब कि साइंस में बहुत अच्छी आविष्कार माना जा सकता है, जो कि बड़े बड़े कामों को आसानी से कर सकता है, अपना परफॉर्मेंस अच्छे ढंग से कर सकता है। इसके कारण कई चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, जैसे कि आप सभी जानते हो कि स्मार्टफोन्स में और जो रोबोटिक्स में रोबोट्स के लिए यूज़ किया जाता है एआई। तो दोस्तों यहाँ पर एक रोबोट आता है सोफिया नाम से, जो कि जिसको कि सिटीजनशिप मिली है दुबई की, यूएई की। दोस्तों जो हम आज की डेट में एआई का यूज़ करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ उसका 10% भी नहीं है। दोस्तों अगर आप देखा जाए जो आजकल एआई है उसके वहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं और उसको प्रोग्रामिंग के लिए देते हैं। जो उसमें प्रोग्रामिंग होती है वो सिर्फ वही कर सकती है, वो एक्सटर्नल काम नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों अगर हम एआई पे बहुत डिपेंड रहे, अगर हम उसमें इनोवेशन पे इनोवेशन लाते रहे, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि वो अपने आप को खुद मॉडिफाई करे, अपने आप में सारी पावर्स ला सके कि वो ह्यूमंस के बराबर हो सके। और दोस्तों वो ह्यूमंस के बराबर हो गई तो बहुत ही डेंजरस चीज़ हो सकती है। दोस्तों अगर हम उसको बाद में डिस्ट्रॉय करने की सोचे, अगर वो ह्यूमंस की तरह बन जाती है, तो वो एक वॉर के रूप में आ सकता है सामने, जिससे कि बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन आ सकती है अर्थ पे। और दोस्तों ये सबसे बड़ी मतलब की बात हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो। दोस्तों जो एआई है वो गलत नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स उसमें आते हैं अगर मॉडिफाई करते रहे हम, जैसे कि आज की डेट में हर एक काम में एआई को मॉडिफाई करते जा रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आ सकती है। इसकी जो प्रॉब्लम आएगी वो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही बड़ी भयानक रूप धारण कर सकती है ये चीज़। तो दोस्तों जो एआई है उसको आप रोबोटिक्स में देखते हैं, जैसे कि होटल वगैरह में। अगर आप जापान के एक होटल है, अगर वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर सारा काम रोबोट से होता है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में जो रोबोट्स है उसका यूज़ हम जॉब्स में भी करेंगे, इससे कई % तक जॉब्स में कट डाउन हो जाएगा, जिससे कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन सी जॉब्स है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जो चाइना है, वहाँ पर जो एआई है वो एक न्यूज़ रिपोर्टर की तरह काम करेगा। तो दोस्तों जो एआई अगर न्यूज़ रिपोर्टर की तरह काम करेगा, ये बात वैसे तो फेक हो चुकी है, साबित फेक हो चुकी है, लेकिन अगर मान लो एआई अगर न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में काम करेगा, तो दोस्तों इससे कई % तक लोगों की जो जॉब्स है उस पर असर पड़ेगा। और दोस्तों जो एआई है वो ना केवल जॉब्स के ऊपर लेकिन ह्यूमैनिटी पे और भी सबसे बड़ा मतलब कि दोषी साबित हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। अगर वो किसी का क्राइम कर ले, शूट कर ले, या फिर किसी आदमी को मार दे, तो इस तरह से रोबोटिक्स एक नेगेटिव चीज़ भी जा सकती है, जो कि एआई के थ्रू ही होता है। तो दोस्तों जो एआई है अगर हम उसको कंट्रोल में रखें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल से बाहर कर दें तो इसमें इसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और पूरी अर्थ पर मतलब कि डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो एआई है उससे थोड़ा बच के रहो, जो यूज़ है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखो। अगर हम ज़्यादा इनोवेशन करते रहे तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो दोस्तों जो एआई है बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं यह नहीं कहता कि बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन जो उससे डिसएडवांटेज होंगे वो तो बहुत ही बड़े होंगे, बहुत बड़े स्केल पर होंगे, और बहुत ही डेंजरस ढंग से काम करेंगे हर एक चीज़। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
आप देखते रहे मेरा चैनल बी टेक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।